अभी थोड़ी से पीछे एक कांटा आया था, वहाँ पे तो हमारी गाड़ी का कांटा किया नहीं। कांटे वाले ने बिल्टी देख के बताया कि भैया आपकी गाड़ी में माल लोड है BHL कंपनी का। तो देख लो आपके भाई ने कटिंग वटिंग बनवा लिया, मतलब आज फर्स्ट बार मैंने इतने छोटे बाल कटे। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज तकरीबन टाइम हो रहा है सुबह के 9:10 और यहाँ पे पहुँचे थे हम कम से कम 7 बजे, और ये कंपनी रही इस साइड में। और आपका भाई सुबह सुबह गया था गेट पे एंट्री करवा के आ गया, और आगरा से कम दोस्तों हम 150-200 किलोमीटर आगे आ गए। तो पता नहीं एक छोटा सा गाँव है तो कौन सा ना यार, छोटे छोटे गांव नहीं मालूम रहते, बड़े बड़े शहर तो याद रह जाते हैं। तो गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फिर वीडियो को लाइक। तो गाइज अब मैं जा रहा हूँ वो गेट एंड गेट पे एंट्री, बहुत देर हो गई किराए गाड़ी को, कब अंदर ले गए कब नहीं लेंगे। दोस्तों अब चलते हैं और गाड़ी को ले कर आते हैं अंदर, और ये दिया गेट पास। दोस्तों अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ गेट की तरफ, गेट पे थोड़ी सिक्योरिटी जाता है, थोड़ा वीडियो बंद कर लेते हैं, आगे जाके वापस स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों अंदर की साइड में तो आ गए, बोले यहाँ पे कांटा नहीं मिल रहा ना, तो किधर को रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा कांटे पे जाने के लिए। और मेन कंपनी के अंदर देखो बड़ी कच्ची रोड बनाई हुई है, पक्की रोड नहीं है। और वो देखो स्ट्रक्चर जैसे हम ले गए ना स्ट्रक्चर की, देखो यहाँ पर बिल्डिंग बना दी पूरी, तो हमारे स्ट्रक्चर ऐसे ही काम लेंगे यहाँ पे। चलो पहले तो देखते हैं यहाँ पे कांटा कहाँ पे है, और गाड़ी को कांटा करा के फिर आगे मिलते हैं आपसे वापस। अभी थोड़ी से पीछे एक कांटा आया था, वहाँ पे तो हमारी गाड़ी का कांटा किया नहीं। कांटे वाले ने बिल्टी देख के बताया कि भैया आपकी गाड़ी में माल लोड है BHL कंपनी का, जो उस कंपनी में जाओ उसी कंपनी में आप। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 11:30, मतलब 11:30 हो रहे हैं, और अभी तक ना तो हमारी गाड़ी को अंदर लिया ना तो गाड़ी करने का कुछ बताया, और यहाँ कंपनी के अंदर आ गए। बहुत देर हो गई गाड़ी इधर साइड में लगाई हुई है, तो देख लो पानी ख़त्म हो गया पीने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ पानी लेके आऊँगा, और एक बार साहब लोगों से पूछ के आते कि भैया क्या होगा, कब तक खाली होगी, और इस साइड में जाएगी शायद तक खाली होने के लिए। तो दोस्तों आपका भाई गया था यहाँ पर, बोला भाई यहाँ पे तो ओनली फॉर डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, और जहाँ पे आपकी गाड़ी लगी हुई है ना तो उसी साइड में जाके पूछो साहब लोगों से कि आपकी गाड़ी कब तक खाली होगी। और आपके भाई ने पानी की बोतल वगैरह भर लिया, और अभी देखो लेबर की थोड़ी छुट्टी का टाइम हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, वो लेबर वाले इधर से इधर घूम रहे, मेरे को ऐसा लगता है वो नाश्ते पानी की छुट्टी हुई है। और पूरे भाई देखो ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी में ज़्यादा स्ट्रक्चर आ रहे, देखो वो पूरी उधर साइड में बिल्डिंग दिखाई दे रही है, पूरी स्ट्रक्चर से बना दी। और जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है गाड़ी के साइड में एक और बिल्डिंग बन रही है, अभी वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे जाके पूछना है कि भैया हमारी गाड़ी कब खाली होगी। तो चलो वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों वो पहले वाली बोतल तो गाड़ी में रख दी, फिर से एक खाली बोतल नहीं लेके आ गया, और अब चलते हैं इस साइड में, इसी साइड में जाएगी हमारी गाड़ी खाली होने के लिए, पूछ के आते हैं क्या मामला है। और यहाँ पे देखो कितना कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है, क्योंकि 24 घंटे गाड़ियाँ चलती है, और ये ऐसी मिट्टी और पत्थर दोनों मिक्स हो रखा है ऐसी हलवा की। और अब चलते हैं फटाफट दाढ़ी कटिंग बनाते हैं। तो इस साइड में जो दिखाई दे रहा है ये था स्टोर, और आपका भाई जमा करवा के आ गया। देख लो हालत बहुत बुरी हो रही है, ऊपर से तो गर्मी, और थोड़ा वीडियो बनाना अलाउड नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है, प्राइवेट होती है तो चल जाता है, बहुत छुप छुप के वीडियो बनाना पड़ता है। तो चलते हैं फिर से गाड़ी में, और उनने बोला कि भैया देखेंगे आपकी गाड़ी कब तक खाली होगी। तो भाई अभी तक कोई कन्फर्म नहीं है, और मैंने ठंडे पानी की बोतल भर ली, अब की बार तो फ्रीजर में से मिला पानी। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 5:40, और देखो कंपनी के गेट वेट सब बंद हो गए, और पता नहीं कहाँ गए, पूरी कंपनी में एक ही आदमी नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पे काम करता हुआ, जैसे हम पूरी कंपनी में एक आदमी तो दिखाई देना चाहिए ना। और आज हमारी गाड़ी नहीं खाली होगी ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं बाज़ार,
और देखते हैं दाढ़ी कटिंग की दुकान है तो दाढ़ी कटिंग भी करवा के आ जाते हैं। और यहाँ से बाज़ार दूर है, ऐसी बात नहीं है, नज़दीक है, कम से कम 3 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा बाज़ार जाने के लिए। तो दोस्तों गाड़ी खड़ी है यहाँ पे और हम जा रहे हैं बाज़ार। मैंने बताया था ना पिछले क्लिप में, तो हाथ मुँह धोया है क्योंकि लंबे बाल हो जाते हैं, तो लंबे बाल कड़क होने लग जाते हैं, तो अभी कटिंग वाले से कटेंगे नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा सर धो लिया। और अब चलते हैं फटाफट दाढ़ी कटिंग बनाते। तो दोस्तों आपका भाई आ गया कटिंग बनाने के लिए दुकान में। दुकान में देखो कैसे भीड़ लगी हुई है, पहले मैंने बात कर ली इनसे इमरजेंसी, वहाँ पे नंबर आ जाएगा मेरा, बस उनकी दाढ़ी कटिंग क्लियर हो जाए फिर मेरा ही नंबर है। दोस्तों आपके भाई का नंबर आ गया कटिंग में, थोड़ा सा सामने का शीशा ख़राब है, मोबाइल में सही शूट नहीं हो रहा है। चलो मिलते हैं कटिंग करवाने के बाद। तो देख लो आपके भाई ने कटिंग वटिंग बनवा ली है, मतलब आज फर्स्ट बार मैंने इतने छोटे बाल करवाए। क्या करें दोस्तों, गाड़ी में परेशान हो जाते हैं लंबे बाल रख के, और मुझे शौक बचपन से लंबे बाल गए थे, क्या करें गाड़ी में परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा नहाने धोने की सुविधा नहीं मिलती है, जगह जगह तो ज़्यादा परेशान होते हैं, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे बाल करवा लिए अब की बार। दोस्तों कटिंग कैसी लगी फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। टी शर्ट हाथ में ये इसलिए नहीं पहनी क्योंकि अभी जाके सिर धोना है। दोस्तों वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, उस बिल्डिंग के मैं आगे गया था, वो टंकी टाइप में दिखाई दे रही है, देखो थोड़ा सा जूम करते हैं, वहाँ पे गया और हाथ मुँह धो के आ गया, अब ठीक लग रहा है, थोड़े से छोटे बाल करवा लिए, मज़ा आ गया। सारे दिन ऐसे करो वैसे करो, जब नाइट के अंदर साइड ग्लास में साइड देखते हैं तो कुछ नहीं दिखाई देते, आँखों पर बाल ही बाल आ जाते, तो इसलिए है ना मैंने ये छोटे बाल करवाए अब की। तो दोस्तों यहाँ पे खाना वाना खा लिया और यहाँ पे है ना मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो ये मच्छर वाली अगरबत्ती भी ली है, और अब चलते हैं गाड़ी में। यहाँ से गाड़ी बहुत दूर है, ये देखो वो जो स्ट्रक्चर वाली उधर कंपनी दिखाई दे रही है पूरी बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के आगे यहाँ से वो बिल्डिंग ही दूर है, देख लो वीडियो पढ़ने लग गया। दोस्तों देखो कंपनी में तो पहुँच गए हैं, और यहाँ पे अभी है ना राजस्थानी टेलर और भी आए हुए हैं, ये गाड़ी अभी नहीं खाली हुई है आज, एक दो दो गाड़ी तो यहाँ पे खड़ी है, दो क्या तीन है, राजस्थानी तीन गाड़ियाँ, ये पता नहीं कहाँ से माल लेके आए ये। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो।